वेलकम बच्चों। सो हमारे पास जैसे कि हेडिंग आप देख रहे हो टेस्ट एक्सप्लेनेशन फिजिक्स। तो लास्ट टाइम में हमने जो आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट में, हम उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले। और यहाँ पर वो जो कंप्लीट जो टेस्ट पेपर था वो कम्प्लीटली हमारा एक तरह से थियोरटिकल था। तो यहाँ पे पूरे की पूरी थियरी वाले क्वेश्चंस लिखो और फिर उसको सॉल्व करो। ऐसा सॉल्व करने का पार्ट नहीं था उसमें, बस हमको कुछ वर्ड्स ही इंसर्ट करने पे आंसर के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे नंबर्स लिख दिए हैं, अब यहाँ पर पढ़ता हूँ एक एक करके। जो आपने आंसर्स भेजे होंगे, ठीक है, उन आंसर को आप चेक करो। जैसे आपके पास में देखो, आप बोलेंगे कि सर हमारे पास पेपर में, आपके मोबाइल पर हर किसी के पास में हमारा ये पेपर वहाँ पर है, ठीक है। सो जैसे पढ़ते हैं पहला, द रे ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट आर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो रे ऑफ लाइट जिसे आप नॉर्मल भी कह सकते हो, वेव नॉर्मल, आपको मालूम है कि ये रेडियल होती है। अब रेडियल होने का मतलब क्या है, एक पॉइंट से ऐसे बाहर जाना, इसको ही हम कहते हैं डाइवर्ज होना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्ज होना। अगर एक पॉइंट पे अगर आती है ऐसी, तो ये हो गया हमारा कॉन्वर्ज, कॉन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या रहना चाहिए था, डाइवर्जिंग इन नेचर, यानी हमारे पास में यहाँ ऑप्शन है, हमारे पास में ऑप्शन बी कौन सा, डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है, डाइवर्जिंग इन नेचर। आप उसको रेडियल बोल सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द रिलेशन मीम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपको ही मालूम है ये कौन सा लॉ है, यस इट इज स्नेल्स लॉ। वहां पर ऑप्शन थे ह्यूजेंस लॉ, लेंस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ और स्नेल्स लॉ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, ये था हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना चाहिए था, स्नेल्स लॉ है ये, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको ऑप्शन भेजना है तो वन उसके सामने आप बी भेजो, ठीक है, सेकंड का आंसर उसके सामने भी, आपको ऐसे ही भेजना है। बस आपको मैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, आपके पूरे के पूरे आंसर्स आपके रहना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तीसरा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम अलॉन्ग द डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विद नॉर्मल टू द इंटरफेस, ठीक है, देन, ठीक है, क्या होता कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, देन क्या होता, द रे पहला ऑप्शन है इज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सेकंड इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर इट ट्रैवल्स अलोंग द नॉर्मल, और फिर है नन ऑफ दिस। लेकिन आपको मालूम है जैसे ही अगर ये रे आता है रेरर से डेंसर में, तो आपको मालूम है ये इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरफ झुकता है, नॉर्मल की तरफ। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या रहना चाहिए था, फर्स्ट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी यहाँ पर जो रे होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज बेंड टू वर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड होता है, ये आपको वहां पर लिखना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि क्या चेंज नहीं होता, देखो वेलोसिटी, वेवलेंथ वगैरह ये सब चेंज होना है ही, लेकिन हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि उसे डिटरमाइन किया जाता है सोर्स द्वारा। तो ऑप्शन था वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, यानी आप चौथे नंबर पर फ्रीक्वेंसी, यानी डी ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। क्या चेंज नहीं होती यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हु यानी कौन पुट फोर्थ दैट द लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैंने आपको बताया था पार्टिकल नेचर किसने बताया, न्यूटन ने। वेव नेचर भले ही बताया किसने, ह्यूजन ने, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि नहीं ये किसने बताया था, हमारे मैक्सवेल ने। और एक थ्योरी और थी प्लैंक, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो वो क्वांटा के रूप में, यानी बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में होती है, वो प्लैंक ने बताया था। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का लाइट है, ये किसने बताया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, मैक्सवेल। ऑप्शन में है यंग है, मैक्सवेल है, माइकलसन है और ह्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सेकंड यानी बी, यहाँ पर होगा मैक्सवेल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर आगे द स्पीड ऑफ लाइट इज, ठीक है, पहला ऑप्शन मोर इन डेंसर मीडियम दैन वैक्यूम, दूसरा है लेस इन डेंसर मीडियम दैन वैक्यूम, फिर है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और इज ऑलवेज सेम इन ऑल डेंसर मीडिया। तो ऐसा नहीं होता, हमने कहा था कि रेयरर मीडियम में ज़्यादा है और डेंसर मीडियम में कम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ऑप्शन का पैरेलल ऑप्शन है, कैसा, लेस इन डेंसर एंड
मोर इन वैक्यूम, ठीक है, तो वैक्यूम में ज्यादा रहता और इसमें कम रहता, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा रहना था, बी, यानी क्या रहना था, लेस इन डेंसर डेंसर मीडियम देन वैक्यूम, ठीक है, तो वैक्यूम की तुलना में, ठीक है, वो डेंसर में क्या रहता, कम रहता, ठीक है, या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं, वैक्यूम में रेयर में ज्यादा रहता डेंसर की तुलना में, ठीक है। चलो सेवन है, पोलराइजेशन शोज दैट लाइट वेव्स आर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आपने बराबर स्टडी किया होगा तो पोलराइजेशन इज द कंसेप्ट ऑफ ओनली ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं बताया था, इसका मतलब पोलराइजेशन शोज दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ऑप्शन में है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी, तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड आंसर होगा ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी आंसर होगा बी, ट्रांसवर्स इन नेचर, ये आपका आंसर रहना चाहिए था। चलो एट के तरफ आते हैं, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज दैट प्लेन इन विच, ठीक है, तो क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ लाइट ऑकर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको क्या मिलते हैं, ये वाइब्रेशंस मिलते हैं, ये वाइब्रेशन का जो प्लेन होता है हमने उसको नाम दिया था प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये नाम दिया था, और इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा, इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो मतलब इसमें अगर वेक्टर खड़े में दिखेंगे तो उसमें वेक्टर आड़े में रहेंगे, मतलब इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट ऑकर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है, पहला ही ऑप्शन था वहां पर, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट ऑकर कैसे दिखते हो, ठीक है, ऑकर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए इसको नाइन्थ लेते हैं और फिर टेंथ देखो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ड्यूरिंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, अब जब पोलराइजेशन होता है तो उसमें चेंज क्या होता है, तो जैसे हमने देखा था जब हम पोलराइजर यूज करते उसी को हम एनालाइजर भी करके यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो पोलराइजर क्या करता, लाइट का पोलराइजेशन करता, तो उसमें से क्या होता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं उसमें से एक ही प्लेन वाले, पर्टिकुलर प्लेन वाले ही आगे जाते, बाकी के दे आर ब्लॉक, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के हमारे कम जा रहे, मतलब इंटेंसिटी कम होगी। हमने और देखा था एक पोलराइजर और लगाया यानी एनालाइजर, तो वो आखिर में हमको नो लाइट यानी नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखता, इसका मतलब कौन कम होती वहां पे, इंटेंसिटी। सो ऑप्शन में क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, इंटेंसिटी है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहना चाहिए, आंसर होगा डी, वो होगा इंटेंसिटी, तो वहां पे कौन कम होती है, इंटेंसिटी। देखो फिर से एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ड्यूरिंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं बदलती, ठीक है, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज भी होंगी, लेकिन मेन चीज क्या होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है वहां पर, ठीक है। चलो द लास्ट वन इज पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, वहां पे तो हमने इसके पहले जब वीडियो देखा था उस वीडियो में बोलो या फिर हमारा क्लास जो हमने लिया था उस क्लास में तो डायरेक्ट हमारी हेडिंग थी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, मैंने कहा था पोलराइजेशन के लिए एक स्पेशल मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज मटेरियल बोलो या फिर टर्मेलिन क्रिस्टल बोलो, ठीक है, या फिर हम पोलराइड यूज करते हैं जो कि हमारा प्लास्टिक शीट पर सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है, तो वो सब है। और उसके बाद में दूसरा चीज हमने ये देखा था कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो उसमें से पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जिसमें हमने ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ा था वो तो हमने क्लियर ही किया था, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोलराइज लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय नंबर वन डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन, तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें, यस ऑब्वियसली इट इज लास्ट ऑप्शन डी है एंड दैट इज योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस थे वहां पर उन क्वेश्चंस के, क्योंकि मैंने कहा ये थियोरेटिकल था तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है हमको, तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपके मोबाइल में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है और वहां पर
पूरे क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में कई जगह पे ब्लैंक छोड़ा है, तो आपको ये क्या करना है, ये पॉइंट उसमें आप डाल दीजिए, यानी वो आपके बन जाएंगे मेन पॉइंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल फिर एक बार पढ़ते हैं, पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, आप सीधा रिफ्लेक्शन लिख दो, यानी क्या हो जाएगा वहाँ पे, पोलराइजेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन, हो गया आपका मेन पॉइंट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।